खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन कोरोना वायरस से बचाव को लेकर सक्रिय हो गया है। होटल रेस्टोरेंट में खाना परोसने से पहले अगर हाथ साफ नहीं किए तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। इसके लिए विभाग की टीमें औचक निरीक्षण कर सभी होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट्स की जांच कर रही है। इस दौरान सैनिटाइजर और मास्क रखने के निर्देश दिए जा रहे हैं। गाजियाबाद जिले में 300 से ज्यादा होटल रेस्टोरेंट संचालित किए जा रहे हैं। लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए शासन ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन को खाद्य सभी होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट्स की जाँच करने के आदेश दिए हैं। विभाग ने एक एक कर सभी प्रतिष्ठानों की जांच शुरू कर दी है। सभी रेस्टोरेंट्स, होटल, ढाबा, कैंटीन, फूड कार्ट जैसे सभी स्थानों पर सावधानी बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं। अभिहित अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि सभी प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों, कुक और वेटर का स्वच्छता के प्रति सावधानी बरतनी जरूरी है। इसके लिए प्रतिष्ठान संचालकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अगर किसी भी तरह की लापरवाही मिलती है तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रतिष्ठान में सैनिटाइजर, मास्क, साबुन रखना भी जरूरी है। जो भी ग्राहक खाद्य सामग्री खाने या खरीदने के लिए पहुंचेगा, सबसे पहले गेट पर उसके हाथ साफ कराने होंगे। प्रतिष्ठानों को सैनिटाइज कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें फर्श, दीवार, सीढ़ियां, रेलिंग, कमरों की खिड़की, दरवाजे, टेबल, कुर्सी, खाना खाने के लिए उपयोग किए जाने वाले बर्तन सभी को सैनिटाइज करना होगा। इसके लिए सभी प्रतिष्ठानों को 2 दिन का समय दिया गया है। अभिहित अधिकारी ने बताया कि अभी तक 59 प्रतिष्ठानों में कोरोना के संक्रमण से बचने की व्यवस्थाओं की जाँच की गई है। जहाँ पर थोड़ी बहुत कमी पाई गई है उन्हें सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।